गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, सब बड़े का मेरी नमस्ते और सब छोटे को बहुत सारे प्यार के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं आज मॉर्निंग में मेरी घर की जो काम होता है मॉर्निंग की वो कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग की जो होमवर्क होती है घर की काम ख़त्म कर ली थी और फिर मैं आई थी जहाँ मैं शाम को काव को बांधती हूँ घर के अंदर। तो दिन भर ना काव मेरे इधर रहते हैं तो ये साफ़ सफाई मैं शाम को नहीं कर पाती हूँ, इवनिंग हो जाती है। तो इसके लिए अभी मॉर्निंग में इधर मैं इसे गोबर सब उठा के झाड़ू लगा के साफ़ करूँगी, उसके बाद में काव को निकालूँगी। और सबसे बड़ी बात है मॉर्निंग में झाड़ू के साथ ही मॉर्निंग की वर्क स्टार्ट होता है और इवनिंग को भी झाड़ू के साथ ही मॉर्निंग के वर्क फिनिश होती है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होता है जिसका बहुत ज़्यादा जो ट्री का लीफ होता है वो नीचे गिरता है। तो इसीलिए हम दो टाइम झाड़ू लगाते हैं फिर भी इतना गंदा रहता है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए, मैं अच्छे से चारों तरफ झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इधर मैं इसके लिए काव को बांधती हूँ, इधर ना बहुत अच्छी धूप लगती है। नहीं तो पहले ना मैं मेरे घर के पास वाले एक जगह है जहाँ मैं काव को बांधती थी, लेकिन अभी इधर बांधती हूँ, बहुत अच्छा धूप लगता है इधर और खुले खुले जगह है ना, बहुत ही प्यारी दिखती है, बहुत अच्छा दिखती है इसके लिए। तो देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा लेती हूँ। अब देखिए, ये है मेरी काली, ये सबसे बड़ी गाय है और देखिए इसको नहला ही नहीं हूँ ना, कितना गंदा दिख रहा है। लेकिन नहला नहीं सकती हूँ अभी ना, वेदर साफ नहीं हुआ है और ना ठंडी थोड़ी थोड़ी है। जब एकदम कोल्ड ख़त्म हो जाएगी ना उस टाइम में काव को नहलाऊँगी। अब देखिए लाली को भी लेके आ गई हूँ। लाली हमेशा साफ़ सुथरी रहती है और काली थोड़ी सी तो गोबर करती है ना, थोड़ी सी मतलब उसका पेट खराब जैसे रहता है ना, ऐसे हमेशा गोबर करते हैं, इसके लिए ज़्यादा गंदा हो जाता है। और लाली एकदम परफेक्ट है, हमेशा एकदम साफ़ सुथरा रहता है, देख सकते हैं। इधर ना पहले मैं काली लाली को बांधती थी लेकिन देखिए इधर ना धूप नहीं आती है इसलिए मैं पीछे उधर बांध रही हूँ बाम्बू के पेड़ के पास। अब इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जो ट्री का लीफ वगैरह गिरा हुआ है ना इसको थोड़ी साइड कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन से धूप नहीं हो रहा था, अभी धूप हो रहा है तो मुझे गोबर का जो उपला होता है ना, जो कि लकड़ी के जैसे यूज होता है, मुझे वो बनाना है। इसके लिए अच्छे से देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब सारा गोबर जितना मैं निकाली हूँ ये इधर डाल दूँगी और जो गोबर अभी है गाँव काव की तबेला में उधर से भी ले आऊँगी, देख सकते हैं। देखिए काले का जो गोबर होता है ना वो थोड़ा मतलब लिक्विड टाइप होता है, साफ़ करने में भी लेट होता है और इसके लिए ज़्यादा वो गंदा भी हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सब लोगों को थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो भी चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल के आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा। फिर ना मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए मैं सारा गोबर को तब उठा ली हूँ, इसको बाहर निकाल लूँगी गोबर को और फिर ना ये जो सूखा घास है ना इसको भी साइड कर लूँगी। जितना भी ये लोग को खाने के लिए दो आधा आधा नुकसान ही करते हैं, क्या करें फिर भी देना पड़ता है। ये सूखे घास को कितना नुकसान किया देखिए, उसके बाद अच्छे से साफ तरीके से पूरे घास वगैरह को झाड़ू लगा लूँगी।
मैं ना रोज रोज जो काऊ की तबेला है ना जो ये हमको अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि मुझे ना हमेशा ये परफेक्ट साफ चाहिए, क्योंकि वो साफ़ सुथरा रहेगा ना तो काऊ को कोई बीमारी नहीं लगेगी, काऊ एकदम साफ सुथरे तरीके से रुकेंगे और अच्छा भी दिखेगा ना इसके लिए। तो इसके लिए मैं रोज ना ये पानी ला के अच्छे से धो देती हूँ उनको। और भीतर सारा गोबर को लेके मैं आ जाऊँगी, क्योंकि इधर मुझे उपला देना है ना, उपला मारना है जो लकड़ी है से उजोगा ना इसके लिए। देखिए गोबर को सारा नीचे डाल के इसको ऐसे गोल गोल करके एक जगह से दूसरे जगह में ऐसे रख लूँगी, और इसको हाथ की हेल्प से जो एकदम छोटा छोटा और गोल गोल करके अच्छे से उपला मार लूँगी। देखिए कैसे कर रही हूँ मैं, अब ना उधर से काम खत्म करके मैं इधर आ गई थी। चूल्हे में पानी गर्म कर ली हूँ और गर्म पानी में थोड़ी सी आटा, गाय के दाना और ये कुंडा बोलते हैं हम लोग जो धान से निकलता है ना, इसको दे के और नमक दे के इसको मिक्स कर लूँगी। और उसमें जितना पानी चाहिए मैं उसमें पानी दे दूँगी, क्योंकि पानी बहुत गर्म था, इसके हिसाब से मुझे पानी मिलाना था ठंडे पानी। अब इसको उठा के लेके जाऊँगी मैं मेरी गौ माता के पास, मीन्स काली और लाली के पास। तो पहले मैं दे देती हूँ काली को, फिर दे दूँगी मैं लाली को। अभी इतना खा भी लिए, फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, बहुत सारा बर्तन था। और उस टाइम कॉल भी आ गई थी, मेरी फ़ोन आ गई थी, फ़ोन में बात भी कर रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। जब फ़ोन आता है ना मैं ऐसे ही काम करती हूँ, काम करते करते ऐसे बात करती हूँ। तो फिर आ गई थी मैं मेरी मुर्गी को खिलाने के लिए चावल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम इधर ही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे और एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और bye bye all, take care।